मीठा तो किसे पसंद नहीं होता है, सब लोगों को पसंद होता है, लगभग 90% लोगों को मीठा पसंद होता है, लेकिन पसंद के साथ साथ उनको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग सोचते हैं यार इतनी मेहनत करके कौन मीठा बनाए, इससे तो अच्छा हम मार्केट से ले आएँ। लेकिन फ्रेंड्स आजकल मिठाइयाँ बहुत महंगी हो गई है, इसलिए मैं तो बिल्कुल लाना बंद ही कर दिए मैंने तो मार्केट से। मैं सारी जितनी भी मीठी चीज़ें होती है मिठाई वगैरह सब मैं घर पर बनाती हूँ। तो ऐसी ही एक सिंपल आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुस्की की रसोई। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी ब्रेड के गुलाब जामुन। और सेकंड रेसिपी, इसमें टू रेसिपी है, तो सेकंड रेसिपी भी इसी ब्रेड की है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सेकंड रेसिपी में क्या बनाया है। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाई है, तो आप इन दो रेसिपी को देख के मीठा बाजार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चार चार ब्रेड लिए हैं, आप अपने जितने बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ब्रेड ले सकते हो। उनको इस तरीके से साइड से कॉर्नर से काट लिया है। और अब हम इसमें आप चाहो तो गरम दूध डाल सकते हो या ठंडा दूध डाल सकते हो। मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो ठंडा या गरम। और उसको अच्छे से इसमें थोड़ा थोड़ा डक करके डाल के अच्छे से डो तैयार करना है। अब आप बोलोगे यार दी ये तो बिल्कुल मालपुए जैसा डो तैयार हो गया, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैंने इसमें खोया भी नहीं डाला है, मिल्क पाउडर भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप बिना खोया बिना मिल्क पाउडर के भी अच्छे से गुलाब जामुन बना सकते हो। तो इसमें मैंने सूजी ऐड की, आप चाहे तो खोया मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, तो इससे थोड़ा गाढ़ा डो हो जाएगा और हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। मैंने लंबाई में शेप दिया है, आप चाहे तो कोई से भी ये शेप में बना सकते हो गुलाब जामुन। अब हम एक पैन में डालेंगे घी, घी में ही फ्राई करना है हमें, ये घी में बहुत टेस्टी लगते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके हमारे सारे गुलाब जामुन। इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट में। तब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम कुछ बातें शेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि मैं आपकी आपके लिए जो भी इजी सी रेसिपी लाऊं वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो हमारे गुलाब जामुन भी लगभग फ्राई हो चुके हैं, तो इनके एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इनके लिए करेंगे चाशनी तैयार। तो एक हम डालेंगे पैन में 2 गिलास पानी, पानी बॉयल होने दें, साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 कटोरी चीनी, अच्छे से बॉयल होने दें, चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। और मैंने 2 इलायची फोड़ के इसमें डाल दिए, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें केसर के धागे भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और 10 से 15 मिनट बाद इसमें गुलाब जामुन ऐड कर देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे बाहर। आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख सकते हो 1 घंटे के लिए, बहुत ही टेस्टी से ठंडे होकर बहुत ही अच्छे लगेंगे ये गुलाब जामुन। और देखो कितने अच्छे से अंदर से चाशनी घुल चुकी है। कोई कह सकता है कि ये गुलाब जामुन हमने बिना किसी मिल्क पाउडर के बिना खोया के बनाए हैं सिर्फ ब्रेड से? कोई नहीं कह सकता, सब बोलेंगे। आप जब सबको खिलाओगे ना तो सब यही बोलेंगे कि यार ये तो आपने बिल्कुल दुकान से लाए हुए, शॉप से लाए हुए मार्केट वाले गुलाब जामुन हैं, क्योंकि ये टेस्टी इतने बने हैं कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने इनको सच में फ्रेंड्स 2 दिन तक खाया था, अब यकीन नहीं करोगे, तब तक ख़त्म नहीं हुए थे तब तक मैंने 2 दिन इन्हीं को खाया था। और मेरे हस्बैंड कभी मीठा नहीं खाते, फिर भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी इनको खा के, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बने थे। तो फ्रेंड्स तो कितने अच्छे से बनके हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हीं मतलब इसी रेसिपी में, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी एक और टेस्टी सी रेसिपी, बिल्कुल मज़ेदार वाली। तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेड लिए हैं, 2 ब्रेड से आप चाहे तो ज़्यादा ब्रेड ले सकते हो। इस तरीके से मैंने इनको छोटे छोटे कट में इस तरीके से गोलाई में काट लिया है। आप इनको बड़ा छोटा आपके हिसाब से काट सकते हो, बड़े काटो तो कटोरी से, इससे छोटा गिलास है। मैंने एक छोटी सी डिब्बी थी मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग इसको काट लिया और उसी घी में मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको लगभग 30 सेकंड से भी कम लगेंगे फ्राई होने में। और एक बोल लिया है, उसमें मैंने डाला है दूध, दूध को अच्छे से बॉयल होने दे, उसमें साथ ही डाल दे चीनी। और चीनी तब तक अच्छे से बॉयल हो रही है तब तक हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिल्क पाउडर को घोल कर। उसमें कुछ केसर के धागे डाल सकते हो, या केसर के धागे ना हो तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास केसर के धागे नहीं थे तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। कोई कह नहीं सकता कि आपने हल्दी ऐड की है, जब मेरे पास केसर नहीं होता है तो मैं हर रेसिपी में ऐसे हल्दी यूज़ कर सकती करती हूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि हल्दी भी इतना अच्छा कलर दे सकती है। देखो कितने अच्छे से इसको इस तरीके से इतना गाढ़ा ही करना है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितने अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है।
हम गैस को बंद करके इसको इसमें हमारी जो फ्राई की हुई रसमलाई या ब्रेड की उसमें डाल देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए रसमलाई बनाई है। सेकंड रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें आप अपने खाने या स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।